अंकित मुझे आप एक बात और बताइए, पूरे साल के दौरान कोई एक ऐसी बात जो आपके दिमाग में हमेशा, क्योंकि स्टूडेंट जब तैयारी करता है तो बहुत बार मोटिवेट रहता है, कई बार सोचता है यार हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, कहीं मैं गलत तो नहीं फंस गया हूँ, बहुत सारे सवाल दिमाग में आते होंगे, कैसे निकले उनसे बाहर, और कोई एक ऐसी बात जो आप अपने छोटे भाई बहनों को जो भी तैयारी कर रहे हैं बताना चाहें। सर ये डिप्रेशन तो मुझे आता था, मैं जब पढ़ता था ना बहुत बड़ा गोल रखता था कि मतलब अगर एक दिन छुट्टी आ गई तो 10 चैप्टर बायोलॉजी रख लिए, ये सारे सारे पढ़ने, ये सर खुद ही तो नहीं थे लेकिन 10 नहीं तो 8 हो जाते थे कम से कम। फिर सर रात को थोड़ा सा डिमोटिवेट हो गए, फिर सुबह उठ गए, फिर वापस 10 से 12। कितने घंटे पढ़ाई करते थे आप? कोई फिक्स तो नहीं है पर लगे रहते थे, लगे रहते जब भी समय मिला बोला तभी पढ़ाई का स्टार्ट हो गया। यस सर बिल्कुल। पापा क्या करते हैं आपके? दादाजी सर मजदूरी करते हैं। और बिल्कुल, तो आप तो पिताजी को आप रेस्ट दिला देंगे कि हाँ मैं डॉक्टर बन गया हूँ, आप घर पे आराम करो, मैं पूरा काम देख लूंगा सारा। इनकी माताजी की तरफ भी जाना चाहूंगा, कैसा महसूस कर रही हैं आप इतनी बड़ी सफलता लेने के बाद? बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ कि मेरा बच्चा ने घर पे ही रहकर तैयारी करी है और इतना अच्छा नंबर लिया है, और मतलब इसको पढ़ाई में पहले से ही मतलब दिमाग बहुत अच्छा था इसका शुरुआत से ही। अब तो खूब रिश्तेदार से फोन आ रहे होंगे कि हाँ सर सारा ही फोन फान आ रहा है, मैं भी खुद एक आशा वर्कर हूँ तो वहाँ से जितना भी डॉक्टर है मेरा स्टाफ पढ़ा है सभी मेरे पास खूब बधाई दे रहा हूँ उसी दिन से ही, और मेरे बच्चा की बहुत बड़ाई कर रहा है कि आपने अपने बच्चों को बहुत अच्छी तरह से परवरिश करी, उनको पढ़ाया लिखाया, अच्छा संस्कार दिया, और कुछ मैं इनकी आजाद सर की इसकी भी बहुत आभारी हूँ कि इसने मेरे बच्चा को मतलब अच्छी तरीके से ही पढ़ाया लिखाया है वहाँ।